तो गाइस सबसे पहले आप मेरी स्क्रीन पे मेरे कीवर्ड देखो, यहाँ पे इसके अंदर कितने ज्यादा रैंक कर रहे हैं कीवर्ड। इसके नहीं, दूसरी वीडियो के भी देखो, इसके अंदर भी कितने रैंक कर रहे हैं, इसके अंदर भी देखो कितने रैंक कर रहे हैं, और जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर भी देखो। तो अभी आप सोच रहे होगे कि मेरे जो ये कीवर्ड है इतने रैंक कैसे करते हैं, मैं ये कीवर्ड कहाँ से लेके आता हूँ। क्योंकि आपको पता है कि अगर आपकी वीडियो जबरदस्त बनी है, आपकी वीडियो के अंदर सारी चीजें सही है, क्लियरिटी है, और उसका जो टॉपिक है वो भी सही है, लेकिन फिर भी अगर वो रैंक नहीं कर रही, तो इसका रीजन क्या है कि आपके जो ये कीवर्ड है जो आपने लगाई है, ये आपके रैंक नहीं कर रहे। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि मैं अपने जो कीवर्ड है वो कैसे सेलेक्ट करता हूँ, कहाँ से मैं ढूंढता हूँ, और आप भी अपने जो कीवर्ड है वो कैसे ढूंढ सकते हो। तो होपफुली आपको इसके अंदर इन्फॉर्मेशन मिलेगी अच्छी, और अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अभी हम स्टार्ट करते हैं कि मैं अपने जो ये कीवर्ड है ये कैसे करता हूँ रिसर्च, और उसके बाद मैं कैसे इनको वीडियो के अंदर यूज करता हूँ, क्या मैं मेथड अप्लाई करता हूँ। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। मैं हूँ सचिन, आप देख रहे हैं टेक्नोशियन चैनल, वीडियो करके स्टार्ट। और अभी आपको बताता हूँ कि कैसे आपको रिसर्च करनी है। तो यहाँ पे आप देखो मेरे पास क्या है, दो भाई, एक है मेरे पास विड आई क्यू और दूसरा है मेरे पास ट्यूब बडी। तो मैं दोनों को यूज करता हूँ। तो सबसे पहले बात करेंगे विड आई क्यू को, तो इसको मैं कैसे यूज करता हूँ। न्यू टैब पे जाएंगे और यहाँ पे मैं लिखता हूँ विड आई क्यू टैग जनरेटर। तो जब आप इसको ओपन करोगे तो आपको यहाँ पे सबसे पहले ये कीवर्ड जनरेटर मिलेगा विड आई क्यू का। तो ये क्या है, एआई बेस्ड है। अभी इसके अंदर एआई जो है अपना काम करती है। तो यहाँ पे हम कोई भी टॉपिक है जो अपना, वो अभी सर्च करेंगे यहाँ पे। तो जैसे मैं सर्च करता हूँ हाउ टू मेक ए यूट्यूब चैनल, तो मैंने ये लिख दिया, एंटर में जैसे करता हूँ तो यहाँ पे एआई की हेल्प से ऑटोमेटिकली बहुत सारे कीवर्ड आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखो इसकी रैंकिंग भी दिखा रहा है कितनी है। तो ये बिल्कुल फ्री है, आप इसको सबसे पहले जो फर्स्ट टूल है इसको आप यूज कर सकते हो अपने कीवर्ड्स के लिए। तो ये बिल्कुल फ्री है, यहाँ पे रैंकिंग दिखा रहा है इसकी कितनी है, और आपको बहुत सारे जो मेन मेन कीवर्ड है वो आपको मिल जाते हैं। तो इनको आप सबसे पहले क्या कर सकते हो, कॉपी ऑन कर लो यहाँ से। तो आपके सबसे पहले फर्स्ट जो स्टेप है आप ये कर सकते हो। अभी यहाँ पे आप देखोगे कि जो रैंकिंग है इनकी, वो किसी की 90 है, किसी की 80 है, किसी की 95 है, किसी की 85 भी है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जो फर्स्ट ये कीवर्ड है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, जो मुझे सबसे अच्छा लगता है, हाउ टू क्रिएट ए सक्सेसफुल यूट्यूब चैनल, जो मुझे सबसे अच्छा लगता है उसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं ट्यूब बडी में लेके आता हूँ उसको। तो मेरे पास ट्यूब बडी का प्रो लाइसेंस है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो मैं इसके बाद क्या करता हूँ, यहाँ पे अभी जो इसका इंटरफेस है वो चेंज हो चुका है थोड़ा सा। तो यहाँ पे कीवर्ड एक्सप्लोर के अंदर जाएंगे, और ये आपको पता होगा, तो यहाँ पे अभी आपको इसके अंदर तीन चार कीवर्ड ही फ्री मिलते हैं। उसके बाद आपको इसके जो पेड मेंबरशिप है, इसका जो पेड वर्जन है वो आपको लेना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करूंगा और यहाँ पे मैं इसको चेक करूंगा। अगर मुझे लगता है कि इसकी रैंकिंग यहाँ पे भी अच्छी है, क्योंकि आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे इसकी रैंकिंग अच्छी नहीं आई, तो मैं क्या करता हूँ, इसको सेलेक्ट नहीं करूंगा, मैं नेक्स्ट कीवर्ड पे जाऊंगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जैसे टिप्स फॉर ग्रोइंग है यूट्यूब चैनल, तो मैं इसको लूंगा अभी, और इसको मैं अभी यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। तो ऐसे मैं चेक करता हूँ कि कौन सा जो कीवर्ड है वो दोनों जगह रैंक कर रहा है, और अगर वो कीवर्ड है जो वो अच्छे से रैंक कर रहा है और आपका जो वीडियो का टॉपिक है वो भी सेम है, तो मैं उसको अपना जो टाइटल भी बना लेता हूँ उसको, और उसके बाद मैं उसको कीवर्ड को अपने टैग्स के अंदर और डिस्क्रिप्शन के अंदर यूज करता हूँ। अभी यहाँ पे देखेंगे स्टार्टिंग है यूट्यूब चैनल फॉर बिगिनर्स, इसको अगर सर्च करें तो यहाँ पे मैंने डाल दिया। इसको अभी चेक करते हैं, तो इसका भी आप देख सकते हो कि इसका भी पुअर आ रहा है। तो क्योंकि ये जो टॉपिक है ये बहुत ही कंपटीशन में रहता है, तो इसलिए इनका पुअर आएगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये वाले जो है इनको मैं क्या करता हूँ, अगर मुझे इनका जो रैंकिंग है इनकी और जो इसका रिजल्ट है वो अच्छा ना लगे, तो मैं इनको डिस्क्रिप्शन के अंदर डालता हूँ सिर्फ, जिससे क्या होता है कि अगर इनमें से भी कोई जो व्यूअर है वो सर्च करता है तो डिस्क्रिप्शन से भी आपकी जो वीडियो है वो रैंकिंग में जा सकती है। तो अभी इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे मैं इसको क्लोज करता हूँ, और यहाँ पे अभी हम कुछ और टॉपिक सर्च करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं हाउ टू मोनेटाइज ए यूट्यूब चैनल। तो हमने ये सर्च कर लिया, और यहाँ पे आप देखोगे कि हमारे पास जो कीवर्ड है वो यहाँ पे जनरेट हो चुके हैं। अभी यूट्यूब मोनेटाइजेशन स्ट्रेटजी, मेकिंग मनी ऑन यूट्यूब, ये सब आ चुका है। तो यहाँ पे मैं इसको कॉपी करता हूँ और चेक करता हूँ। तो आपको क्या करना है, आपको आपका जो टॉपिक है उससे रिलेटेड आपको सर्च करनी है सारी जगह। तो यहाँ पे अभी सर्च करेंगे, तो ऐसे ही आपको क्या करना है, मेन मेन आपको जितने भी कीवर्ड मिले वो आपको सारे इकट्ठे कर लेने हैं। जैसे आप यहाँ पे देखोगे साइड में, यहाँ पे बहुत सारे कीवर्ड आ चुके हैं, मेकिंग मनी ऑन यूट्यूब शॉर्ट्स, मेकिंग मनी ऑन यूट्यूब 2024, तो इसको भी सेलेक्ट करते हैं। जैसे तो यहाँ पे देखोगे इसका फेयर आया है, इसका रिजल्ट अच्छा है। तो ऐसे आपको क्या करना है, सबसे पहले कुछ मेन मेन जो कीवर्ड है वो आपको चेक कर लेने हैं, और आपको नोटपैड के अंदर उनको नोट कर लेना है। तो उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद हम देखेंगे कि जो रैंकिंग है वीडियो की, वो जैसे यहाँ पे आप देखोगे
हमारी ट्यूब बडी की जो रैंकिंग है यहाँ पे आ चुकी है, और VDIQ का स्कोर है जो वो भी आ चुका है। तो यहाँ पे एक साइड में आपको जो रैंकिंग ट्यूब बडी की दिखेगी वो ग्रीन आइकन में दिखेगी, जो ग्रीन है वो ट्यूब बडी के हैं सारे, और जो ब्लू वाले हैं वो VDIQ के हैं। तो यहाँ पे VDIQ की रैंकिंग है जो स्कोर है वो 75.6 आ रहा है इसका। और यहाँ पे आप देखोगे कि टैग काउंट सही है, उसके बाद ट्रिपल कीवर्ड है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कीवर्ड इन टाइटल भी है और कीवर्ड इन डिस्क्रिप्शन भी है, ये सब सही है हमारा। उसके बाद रैंक कितने कर रहे हैं वो दिखा रहा है, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर दिखा रहा है। तो ये आपको चेक करना है आपकी वीडियो के अंदर। अगर आपको लगे कि आपने वीडियो अपलोड कर दी और आपके जो टैग है और आपका टाइटल है वो काम नहीं कर रहा, तो आप क्या करो, यहाँ पे वीडियो के अंदर चेक करो नीचे कि आपका कौन सा टैग रैंक कर रहा है, और उसी को अपने टाइटल के अंदर यूज़ करो। क्योंकि जो आपका रैंकिंग कीवर्ड होगा अगर आप वो यूज़ करोगे तो आपकी वीडियो के चांसेस ज़्यादा है कि वो चलेगी, अगर आपका टॉपिक अच्छा है और ट्रेंडिंग है टॉपिक तो। उसके बाद यहाँ पे अभी बात आती है डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं कैसे लिखता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे कि टैग्स फॉर क्वेरीज के अंदर मैंने अपने जितनी भी रिसर्च की थी वो मैंने डाल रखी है, और इसी के साथ में मैंने अपनी कुछ वीडियोज है जो उनकी भी लिंक डाल रखी है साथ में, और जो मेरा टाइटल है वो मैंने सेम का सेम इधर सबसे पहले कॉपी किया, और उसके बाद टाइटल के बारे में भी लिखा और वीडियो का जो टॉपिक था वीडियो से रिलेटेड भी मैंने इसके अंदर इन्फॉर्मेशन दी। तो सबसे पहले आप ये कर सकते हो। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, अभी जैसे हमारा जो टॉपिक है इस वीडियो का अगर बात करें एंटवर्प वॉकिंग टूर, तो उसके बाद आप क्या कर सकते हो, यूट्यूब पे आप जा सकते हो और आपका जो टॉपिक है जो आपका वीडियो का आइडिया है उसको आप डायरेक्टली यूट्यूब पे सर्च करो। जैसे एंटवर्प, सबसे पहले आप एक एक करके कीवर्ड सर्च करो, बिल्कुल एक वर्ड लिखो। तो जैसे मैंने एंटवर्प लिखा तो यहाँ पे सर्च के बाद जितने भी देखोगे आप, एंटवर्प व्लॉग, एंटवर्प पोर्टो, एंटवर्प वर्सेज पोर्टो, एंटवर्प जू, एंटवर्प क्रिसमस मार्केट, तो ये सब आ चुके हैं। जो भी आपको यहाँ पे दिखे वो सारे आपके रैंकिंग कीवर्ड है, तो उनको आप क्या करो, उनको सबको कॉपी कर लो। उसके बाद आप उस पर रिसर्च कर सकते हो, ट्यूबडी के अंदर भी कर सकते हो, VDIQ के अंदर भी कर सकते हो, तो मैं पर्सनली दोनों को यूज करता हूँ। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, अपनी जो कीवर्ड की रिसर्च है, जो टैग की रिसर्च है वो आप कंप्लीट कर सकते हो। और उसके बाद आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन के अंदर भी डालने हैं और टाइटल के अंदर भी आपको वो टैग यूज करने हैं, और उसके बाद आपको जो थंबनेल है उसकी भी सेटिंग करनी है। अगर आपको लगे कि आपका जो कीवर्ड है, आपका जो टैग है एक अच्छा रैंकिंग वाला टैग है, वो आप थंबनेल के अंदर यूज कर सकते हो, तो थंबनेल के अंदर भी उसको राइट करने की कोशिश करो, लेकिन वो अच्छा लगना चाहिए। जैसे वीडियो का टॉपिक है, अभी जैसे मैंने देखो एंटवर्प सिटी डाला इसके अंदर, और मेरे टाइटल के अंदर भी एंटवर्प के बारे में मैंने बात की है, तो एंटवर्प यहाँ पे मैंने डाल दिया। तो ऐसे आप अगर आपका लगे कि ये रिलेट कर रहा है थंबनेल के अंदर, अगर आपका लिखना रिलेट कर रहा है आपके टाइटल और वीडियो से, तो आप उसको जरूर से जरूर यूज करो। तो उसके बाद जो नीचे आपकी डिटेल है वीडियो की, यहाँ पे अल्टर्ड कंटेंट का एक नया ऑप्शन आया है, इसकी मैंने वीडियो बनाई है, इसको भी आप चेक कर सकते हो, ये सब चेक करो। उसके बाद जो बाकी डिटेल है नीचे, आप देखोगे कि ये जो हमारे नीचे कीवर्ड आई है, ये सारे के सारे कीवर्ड हमारे ट्यूबबडी ने हमें सजेस्ट किया है, तो यहाँ से आप उठा सकते हो। अगर आपको लगे कि आपके ये कीवर्ड है जो रैंक नहीं कर रहे हैं, तो आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो और उसके बाद आप उनको यूज कर सकते हो। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, आप जा सकते हो कीवर्ड प्लानर पे, ads.google.com पे जाके आप, और यहाँ पे आपको टूल्स के अंदर कीवर्ड प्लानर मिलेगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको इस पे क्लिक करना है, डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स, तो इस पे मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पे लिखेंगे जैसे हाउ टू ग्रो ऑन यूट्यूब, ये लिख दिया, और यहाँ पे हम करेंगे गेट रिजल्ट। तो जैसे ही गेट रिजल्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखो, इसको मैं जूम करता हूँ, तो यहाँ पे आप देखोगे कि एवरेज मंथली सर्च कितनी है इसकी, तो 1K to 10K है हाउ टू ग्रो ऑन यूट्यूब इसकी सर्च। और उसके बाद नीचे अगर जाओगे हाउ टू प्रोमोट यूट्यूब वीडियोज, 100 से 1000 सर्च इसकी है। तो आप क्या कर सकते हो, गूगल कीवर्ड प्लानर है जो, उसको यूज कर सकते हो आप अपनी वीडियोस के टैग है जो उनको जनरेट करने के लिए, क्योंकि इसके अंदर आपको बिल्कुल जो ट्रेंडिंग हो गए वो टैग आपको मिलेंगे, और आपको उसके साथ में मंथली सर्च बताएगा। तो अभी मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट टिप देता हूँ जो बिल्कुल हेल्पफुल रहती है और मैं उसको यूज करता हूँ। तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपकी वीडियोज रिलेटेबल है, जैसे आपका व्लॉग चैनल है या फिर आपका टेक चैनल है, अगर आपकी वीडियोज रिलेटेबल है, तो आप क्या कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल आपकी ये पुरानी वीडियो है और आपकी जो नेक्स्ट वीडियो है वो भी इसी से थोड़ा थोड़ा रिलेट कर रही है, तो आप क्या कर सकते हो, इस वीडियो के जो बेस्ट रैंकिंग कीवर्ड आपको लगे ना दो चार, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरी ये वीडियो है इसके अंदर सिर्फ 3-4 ही रैंकिंग कीवर्ड है और इससे दूसरी वीडियो मेरी रिलेट कर रही है, तो मैं क्या करूंगा, इस वीडियो के जो कीवर्ड है इनको भी मैं दूसरी वीडियो के अंदर डाल दूंगा, जिससे क्या होगा कि ये वीडियो आपस में सजेस्टेड में आएगी, और इसकी अगर ऑडियंस होगी तो उसके पास भी सजेस्टेड में आपकी दूसरी वीडियो जाएगी, तो ये भी आप यूज कर सकते हो। तो इससे टेक्निक से क्या होगा, आपकी बाकी वीडियोज भी रैंक करेगी। तो होपफुली आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप पहली बार देख रहे हो वीडियो। तो मैं आपसे मिलूंगा ऐसे एक नई वीडियो का, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।